भाई, ये वाला जोश जावाज। बस बस, शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। यासिर, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है नकल के लिए अकल। बहुत सारे टॉक शोज हैं, जैसे आपने भी बोला, हो रहे हैं, और लोग अक्सर ये फिंगर पॉइंटिंग करते हैं भाई कि ये टॉक शो सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता। तो हम एक ऐसा सेगमेंट लेके आए हैं कि आर्टिस्ट जो अपने आर्ट की वजह से जाना जाता है उसका वो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, शोकेस करे अपना टैलेंट और स्किल। तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे और साथ साथ वहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रॉप्स चलेंगे, तो आपने उस सिचुएशन में जो भी आप बात कर रहे होंगे आपने उन प्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया? थिएटर के एक्टर हैं भाई, तालियां बजाएं इनके। राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, ये सेगमेंट बना ही इनके लिए। आपकी सिचुएशन ये है कि आपने, ये आपकी ऑडियंस है, आपने इनको सोशल मीडिया के नुकसानात बताने हैं और ये बताना है कि किस तरह से वो अपना सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको कम कर सकते हैं, कीपिंग दीज प्रॉप्स इन माइंड। सबसे पहला आपका प्रॉप है बनानास। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट कहूंगा प्रॉप्स चेंज होते रहेंगे और आप उनको इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी, आप स्टार्ट करें और फिर आपको पहला प्रॉप नजर आना शुरू होगा। देखिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसानात हैं और उनसे बचा जा सकता है केले खाकर, क्योंकि केला एक ऐसी चीज़ है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी होता है, केले में नहीं होता। मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरा केलों से कोई दूर दूर तक गहरा ताल्लुक नहीं। अच्छा, देख के लगता है आपका ताल्लुक ही केलों से। फिर तुम कहते हो कि अच्छा, मैं चुप रहता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप केला खाते हैं तो आपको ज़ाहिर है कमर पे खारिश शुरू हो जाती है, और उसमें जब आप ये इस्तेमाल करने जाएंगे तो इतनी देर में सोशल मीडिया कमर पे क्यों खारिश शुरू हो जाती है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। लगता है आपने बहुत केले खाए हैं। देखिए, हमें केले को छोड़ना पड़ेगा। मैंने डंडे बहुत खाए, केले आपने खाए। तो जैसे ही आपको खारिश जब उससे ना मिटे तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल भी दो तरह से हो सकता है, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू करें तो नेल कलर लगा लें। नेल कलर आपके नेल्स की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और नेल कलर जब ना खुश्क हो रहा हो तो ड्रायर मार लें, क्योंकि सोशल मीडिया आगे निकल रहा है और आपके नेल्स अभी तक गीले हैं, तो ड्रायर ज़रूरी है लगाना। ये तो मुझे करना भी नहीं आता, ये क्या है? ये मैं पूछना चाहूंगा, ये क्या है? क्या चीज है ये? इन्होंने ना तुम्हारा बैग खोल के सारी चीजें निकाली हैं, ये वाली। ये क्या है? ये लैश कलर। लैश कलर, ये मुझे सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक हो सकता है लैश कलर का? सोशल मीडिया से लैश, आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। माशाल्लाह, नहीं ये ठीक है, ये है, देखा है मैंने अपनी बीवी के पास, ये आइटम है, बट वो ब्लैक कलर का है उसके पास, ये सिल्वर में पहचाना नहीं जा रहा। खैर, उसके बाद छन्नी से छान के अपनी जो थॉट्स हैं उनको आप सोशल मीडिया पे डालें, क्योंकि अगर ऐसे डालेंगे तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं। और रात को सोने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और सोना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि सुबह उठ के दोबारा आप सोशल मीडिया पे का यूज़ एंड अब्यूज़ कर सकें। आप में से कितने लोग इस जबरदस्त मोनोलॉग के बाद अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करेंगे? कोई भी नहीं। क्यों? क्यों? जिंदगी है वो। अरे जिंदगी है, आजकल दौर ही सोशल मीडिया का। देखिए, बात तो खातून ने बिल्कुल ठीक की है कि दौर जो है वाकई सोशल मीडिया का है। अभी मैं, शो हमारा शुरू भी नहीं हुआ तो 3 दफा आप लोग सोशल मीडिया के लिए बाइट्स ले चुके हैं मुझसे। हाँ। तो सोशल मीडिया जाहिर है इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर अलग से कंटेंट चलाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारे ड्रामे, हमारा तो सब कुछ ही सोशल मीडिया पे आ गया। ऐसे ही आप देखें, वो टिकटॉक पे लोग ड्रामे देख रहे हैं। पूरे ड्रामे, मेरा एक पुराना ड्रामा है जो उस वक्त नहीं चला था, क्योंकि वो शायद वक्त से पहले बना दिया था हमने। उस तरह के ड्रामे तब नहीं चलते थे, कॉमेडी ड्रामे, सीरियल बट लाइट मूड। वो फिर सुनो चंदा के बाद वो हिट चलना शुरू हुए, तो हमने उससे पहले चला दिया था। उसका नाम था शादी मुबारक हो, वो मैंने खुद लिखा था, वो वाहिद सीरियल है जो मैंने लिखा था, मैंने मेरे भाई ने। तो वो, अब मैं गया हूँ दुबई तो वहाँ पे जो मुझे मिल रहा था वो आपका हमने ड्रामा देखा है टिकटॉक पे।
मैंने कहा टिकटॉक पे कैसे ड्रामा देखा यार, तो मैंने देखा उसमें तो क्लिप्स के जरिए पूरा ड्रामा चल रहा है। और बहुत सारी फिल्म्स भी अब आ गई हैं, वो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके फिल्म्स के सीन्स चलाते रहते हैं, सीक्वेंसेस चलाते रहते हैं टिकटॉक के ऊपर। कौन सी फिल्मों के सीन्स देख रहे हो तुम टिकटॉक पे? दीवार अमिताभ बच्चन की मैंने देखी। क्या बात कर रहे हो, टिकटॉक पे क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा दीवार से हमारा ऑडियंस से कुछ सवाल लेंगे, कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस मेंबर्स के। आपका क्या सवाल? यहाँ हो ना यार, होस्ट बन जाओ, आओ बैठो, मैं यासिर भाई के पास बैठ जाता हूँ। प्लीज आओ ना बैठो, मौका देंगे हम आपको होस्ट बनने का। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साकिब अली है। साकिब अली जी सिंगर हैं आप? जी। अच्छा लग भी रहे क्या आप सिंगर? सुनाओ ना यार कुछ, दो बोल तो सुनाओ। हाँ दो बोल। यासिर भाई गेज करेंगे और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं दूसरे आर्टिस्ट को इनकरेज करते हैं और अगर अच्छा गाओगे तो तुम्हें चांस भी देंगे। क्यों भाई यासिर भाई? यार बहुत ज्यादा आपने अपने पल्ले से कर लिया ये, लेकिन नहीं बिल्कुल ऐसे देंगे देंगे देंगे। अच्छा भाई साकिब, बहुत वेरी वेल डन यार, बैठो प्लीज यार। वाह।